वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं वो है नन अदर देन नित्या मेहरा डायरेक्टेड फिल्म, जिसका नाम है बार बार देखो। वेल फ्रेंड्स, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम हिंदुस्तानी ऑडियंस हमेशा कहती है कि हिंदुस्तान में राइटरों की कमी है और हम हॉलीवुड को टक्कर नहीं दे सकते। जहां आप इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी फिल्में देखकर घर आके कहते हो वाओ व्हाट अ मूवी, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन, क्या क्या नाम है फालतू फिल्मों के, लेकिन आप कहते हो क्या फिल्म है, हॉलीवुड तो हमसे 10 गुना आगे 100 गुना आगे। लेकिन जब वैसी ही फिल्में हमारे बॉलीवुड में बनती है तब लोग सर पकड़ के थिएटर से निकलते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या बंडल बनाया है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर कुछ नया दिखाना चाहता है और 100 में से 80% भी उसमें कामयाब होता है तो फ्रेंड्स, आपको उस डायरेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए और ऐसी फिल्मों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन हमारी इंडियन ऑडियंसेस, इडियट ऑडियंसेस भी कहा जा सकता है इन्हें, वो ऐसी फिल्मों के लायक नहीं है और मैं कहता हूँ कि वो डिजर्व भी नहीं करते। वो चाहे जाए हॉलीवुड फिल्में देखे और उसी में खुश होए, लेकिन आकर बॉलीवुड की फिल्मों पे कमेंट ना करें और फिर ये बुरा नहीं माने कि बॉलीवुड पीछे क्यों रह गया। वेल फ्रेंड्स, आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं विद रिव्यू ऑफ फिल्म बार बार देखो। बार बार देखो ऑब्वियसली स्टार्स सिद्धार्थ मल्होत्रा, कतरीना कैफ एंड वी हैव राम कपूर इन द मूवी एंड सारिका। ये स्टार्टिंग में आपको मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण इसलिए दिया क्योंकि दिस फिल्म फ्रेंड्स इज एन ऑफ एज फिल्म। फ्रेंड्स, ये फिल्म बहुत ही वक्त से आगे है और बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट बनाया गया है बॉलीवुड में। इतना बेहतरीन फ्रेंड्स कि मैं क्या बोलूं, ये फिल्म आपको मजबूर कर देती है कि सोचने पर कि आप में से कितने लोग हैं कि आज मैं आपको मौका दूं कि आप 20 साल आगे चले जाओ, तो अब हर आदमी ये चाहेगा कि वो आगे चले जाए और आगे जाने के बाद जब उसे पता चलेगा कि जिंदगी उसकी बर्बाद हो चुकी है तब वो किस तरह वापस आना चाहेगा, ये हर इंसान चाहेगा। फ्रेंड्स, ये हर इंसान की चाह है, हर इंसान के दिल में है कि वो चाहे देखना कि उसके आगे क्या होने वाला है। ये फ्रेंड्स, ये फिल्म बहुत ब्यूटीफुली दर्शाती है। मैं इतना गारंटी कह सकता हूँ ये फिल्म देखने के बाद अगर आप एक इंसान हो तो घर आके अपनी बीवी से 100 गुना ज़्यादा प्यार करने लगोगे, अपनी माँ के गले लग जाओगे और जिंदगी में जो सारी चीज़ें हैं जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया था वो आप बारीक बारीक चीज़ों पे भी ध्यान देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जिंदगी है। ये अगर प्रेजेंट है तो ये आपका पास्ट है। अगर आप पास्ट पकड़ के रहोगे तो आपका प्रेजेंट कभी आगे नहीं जाएगा। ये सीख फिल्म फ्रेंड्स बहुत अच्छे देती है। लेकिन ऑडियंस को फिल्म पसंद नहीं आ रही है क्योंकि वो इंटरस्टेलर देखना चाहते हैं और इंसेप्शन देखना चाहते हैं, तो उस जैसी ऑडियंस ये फिल्म ना देखने जाए। तो फ्रेंड्स, आते हैं कहानी फिल्म बार बार देखो। बार बार देखो कहानी है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कतरीना कैफ की। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कतरीना कैफ बचपन से दूसरे से प्यार करते हैं और बड़े होने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे। शादी करने से पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा को फोन आता है कि वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहते हैं और उनका वेडिक मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो चुका है और उन्हें लंदन जाना है। लेकिन कतरीना कैफ हैज अदर प्लान्स। सगाई की रात को ही वो उन्हें एक फ्लैट गिफ्ट करती है और सिद्धार्थ मल्होत्रा कहता है कि कभी मेरी जिंदगी में चलने तुमने दी ही नहीं, तो अब क्या चलने दोगी, मैं अपने करियर को फर्स्ट मोटिव देता हूँ और इस प्यार को नहीं। कतरीना कहती है मैं अगर आज चली गई तो कभी जिंदगी वापस नहीं आऊंगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा मुड़ के देखता नहीं और एक पूरी बड़ी शैंपेन की बॉटल पी के बैठ जाता है। शैंपेन पीता है तो अगले दिन उसकी आंख खुलती है थाईलैंड में। यस फ्रेंड्स, उसकी जिंदगी 2 साल आगे चली गई है और थाईलैंड में वो हनीमून में कतरीना के साथ है। तब वो उसे पता चलता है कि उसकी शादी हो गई है और वो कतरीना के साथ हनीमून पर आया है और 2 साल आगे है। उसे कुछ याद नहीं आता फ्रेंड्स। तभी सौ आसमान गाना आता है और उसी रात फिर वो सो जाता है। इस टाइम जब वो सो के उठता है तो फ्रेंड्स वी आर टेकन टू 2034। फ्रेंड्स, इस फिल्म का VFX इतना बेहतरीन है, गैजेट्स, कॉस्मोस, कार, किस तरह से 2034 में मोबाइल नहीं होगा, हवे में टेक्नोलॉजी होगी और किस तरह क्लासरूम में स्क्रीन्स रहेंगे और लैपटॉप भी इनविजिबल रहेंगे, गाड़ियां आपको वॉइस कमांड देगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके दिखाया। फ्रेंड्स, 2034 में आता है तो पता चलता है वो कैम्ब्रिज में ऑब्वियसली पढ़ा रहा है
और उसके दो छोटे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और राम कपूर जो कतरीना के बाप रहते हैं वो उनके साथ रहते हैं। तभी भी उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती रहती, वो बच्चे संभाल नहीं पाते, वो अपनी बेटी को प्यार नहीं देते, और राम कपूर भी उन्हें काफ़ी हद तक नैक करते रहते हैं, कतरीना भी उनसे खुश नहीं है। तब वो फिर सो जाते हैं, और जब उठते हैं तब बहुत सिचुएशन ख़राब हो जाती है फ्रेंड्स। 2046 आ जाता है, 12 साल बाद आगे जाती है ज़िंदगी, और हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा दिखते हैं बहुत ही बुढ़े आदमी, 46 इयर्स के हो गए, यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ा रहे, और उनका बेटा उन्हें पिकअप करने आता है। इसमें जो छोटा बेटा रहता है वो उन्हें पिकअप करने के लिए आता है, और हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का आज कतरीना के साथ डिवोर्स हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहीं पर फिल्म का इंटरवल होता है, कतरीना और सिद्धार्थ का डिवोर्स हो जाता है। इंटरवल का बहुत ही बेहतरीन गाना है बिलाल सईद का, एक तरी खैर मंगदी, उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी ज़िंदगी से हार चुका है, थक गया है, और वो रात वो फिर सोता है। ये फ्रेंड्स 3 रात में इसका हो जाता है, ये 40 साल टाइम ट्रैवल कर लेता है। लेकिन ये गाने के बाद सिद्धार्थ जब सोता है तब वो जागता है, तब ज़िंदगी उसे फिर वापस 2034 में ले जाती है, और उस दिन सारी चीज़ें सुधारने का एक मौका देती है। कतरीना का एग्जीबिशन रहता है पेंटिंग का, उसके बच्चे का स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन रहता है, लेकिन सिद्धार्थ के ज़िंदगी में चित्रा जो उनकी दोस्त रहती है प्लेड बाय सयानी, ही कॉल्स यू नो सिद्धार्थ और कहती है कि मेरा पति से मेरा झगड़ा हो चुका है, तुम आओ मिलने। सिद्धार्थ तभी गलती कर देता है, उसे लगता है कि यू नो यो जाके उसकी दोस्त की मदद करनी चाहिए, और सिद्धार्थ वापस टाइम ट्रैवल पास जाके गलती कर बैठता है, और जब वो उस रात सोता है तब आँख खुलती है फ्रेंड्स, तब सिद्धार्थ 70 साल के हो चुके हैं, कतरीना उनके पेंटर के साथ शादी हो जाती है, सिद्धार्थ को तो ऑब्वियसली डिवोर्स दे दिया उन्होंने, और सारी का सिद्धार्थ की माँ मर जाती है। फ्रेंड्स बहुत ही इमोशनल सीन है, सिद्धार्थ का बच्चा, उसकी बेटी सब उसे छोड़कर चले गए हैं, और सिद्धार्थ मल्होत्रा का तलाक हो गया और ज़िंदगी में अकेले। तब फ्रेंड्स ज़िंदगी उसे एक और मौका देती है, और ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये आपका प्रेजेंट है, आपका पास्ट है, अगर आप पास्ट को पकड़ के रखोगे तो आपका प्रेजेंट कभी आगे नहीं जाएगा। तब सिद्धार्थ की आँख फिर से खुलती है 2034 में। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, अगर हॉलीवुड में बनता तो पक्का ही ऑस्कर ले जाता, लेकिन हमारे बेवकूफ़ इंडियन ऑडियंसिस के लिए बनी है तो जो समझते नहीं है फिल्म। तब सिद्धार्थ वापस 2034 में उठता है, और वो उस सारी चीज़ें ठीक करता है, वो अपनी बेटी से प्यार करने लग जाता है, वो अपने बेटे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कतरीना के एग्जीबिशन में भी जाता है, और कतरीना की जिसके शादी होने वाली रहती है उसको भी पकड़े कहता है ये मेरी बीवी है और रहेगी, समझा। तभी फ्रेंड्स वापस फ्लैशबैक आता है, और ये सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक सपना रहता है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे क्या चूतिया बनाया, 2 घंटा बेंचो सपना दिखाया हम लोग को बैठ के, लेकिन उस सपने से आपने क्या सीखा फ्रेंड्स, इतना इमोशनल सीन है। सिद्धार्थ फौरन भाग के घर पे आता है, सबसे पहले अपनी मरी हुई जो माँ मर जाती है उसे गले लगता है, उसे कहता है आई लव यू, मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा, अपने ससुर से इतने अच्छे से मिलता है, कटरीना कैफ को इतना प्यार करता है। कि फ्रेंड्स ये आपको सिखाता है कि आज जो ज़िंदगी में चल रहा है, ये फिल्म तो आपकी ज़िंदगी बार बार देखो नहीं होने वाली है, ये वापस नहीं आएगा, इसलिए जो भी आप कर रहे हो अभी डू इट राइट रादर देन रिपेंडिंग फॉर द फ्यूचर, अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज विद द फिल्म गिव्स। तो फ्रेंड्स आते हैं फिल्म का स्टारकास्ट पे। सिद्धार्थ मल्होत्रा इज अ स्टेलर, यू नो जो खान्स काम करते हैं पूरी फिल्म शोल्डर पे लेके चलते हैं, वही काम सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया। ही एज ग्रोन एज एन एक्टर एंड प्रोस्थेटिक मेकअप एज ऑलरेडी हेल्प सिद्धार्थ मल्होत्रा इन हिज कॉज, ही लुक्स फैबुलसली एफर्टलेस, यू नो इवन वेन ही इज द 15-year-old kid, the 25-year-old young man, and even when he is the 75-year-old man, he is fabulous. Kateena Kaif sadly is miscast in this role. Someone like a Deepika Padukone or even a Priyanka Chopra would have been perfectly fit. But जो end में काल चश्मा गाना आता है वो आपको सब भुला देता है, और Kateena के abs देखकर आप थिएटर से संतुष्ट बाहर निकलते हो। राम कपूर एज अ फादर ऑफ कतरीना के इज फैबुलस इन दिस मूवी। वी हैव ताहा शाह ऑल्सो हु प्ले सिद्धार्थ फ्रेंड इन दिस मूवी, ही इज इवेंचुअली वेरी फनी। ही 2034 में वो एक चाइनीज से शादी कर लेता है, तो सिद्धार्थ की यू नो बच्चा होने वाला रहता है, बहुत फनी है वो। रोहन जोशी हमारे ऑल इंडिया बकचोद के कॉमेडियन इस फिल्म में है, काफ़ी छोटा रोल दिया फ्रेंड उसे फिल्म में, लेकिन वो काफ़ी यू नो एफर्ट दिया है उसने अपने काम में, और काफ़ी सिंसियर लगता है अपने परफॉर्मेंस में। सयानी यू नो ऑब्वियसली इज लुकिंग हॉट इन अ शॉर्ट हेयर कट एंड इज फैबुलस इन एक्टिंग। रचित कपूर एज द पंडित इज फैबुलस फ्रेंड्स, ये आपको जब काल चश्मा गाना एंड में आएगा तो आपको उसको देख के बहुत हंसी आएगी, कि ये फिल्म में काफ़ी अनइंटेंशनली काफ़ी इंटेंशनल कॉमेडी कर चुका है इसने, बहुत एंटरटेनिंग है। गाने पे आए तो फ्रेंड्स काल चश्मा इज अ क्रैकर,
आपको ये फिल्म कैसी भी लगी, आप कायल अशरफ के लिए रुकोगे। बहुत कम फिल्मों में जो गाना एंड क्रेडिट्स में आता है उसके लिए पब्लिक नहीं बैठती, लेकिन काला चश्मा देखने के लिए पूरा थिएटर जैसा था वैसे ही था, एक आदमी उठ के नहीं गया। बिलाल सईद का गाना एक तेरी खैर मंगी, इस टियर जाकर इंटरवल के बाद ज़्यादा खाने को सामान मत लेना, क्योंकि रोगे या पॉपकॉर्न खाओगे मुझे नहीं पता। बहुत फैबुलस गाने फ्रेंड्स, सौ आसमान बाय अमाल वाले की ऑल्सो फैबुलस, तीनों गाने फिल्म के बहुत बेहतरीन है। बट फुल मार्क्स टू श्री राव फॉर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, हमें एक न्यू स्टोरी प्रेजेंट की है, वी शुड अप्रिशिएट हर एंड रादर देन क्रिबिंग एंड टेलिंग इट्स अ बुलशिट मूवी। इट इज नॉट एट ऑल बुलशिट, दे शो ग्लासगो, दे शो लंडन, थाईलैंड, इतना ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, फुल मार्क्स टू द VFX, किस तरह से फ्यूचर जनरेशन में गाड़ियाँ होगी, अंतिम संस्कार आदमी का एक ग्लास बॉक्स में होगा और ऑटोमेटिक आग लगेगी उसमें, वहाँ की गाड़ियाँ कैसी होगी, रोज सुबह आपको कंप्यूटर उठाने आएगा और आपको पूछेगा आपका दिन कैसा गया, कैसा आपकी लाइफ चल रही है। द मोबाइल फोन शोन इन 2034 एस्पेशली आर फैबुलस, पूरा एक ग्लास का स्लैब हाथ में एंड इट वर्क्स फैबुलसली फ्रेंड्स। जो टाइम ट्रैवल दिखा है इज अ वर्थ वॉच, इट कैन गिव कॉम्पिटिशन टू एनी हॉलीवुड मूवी, ऑब्वियसली इट्स अ धर्मा प्रोडक्शन एक्सेल, तो इतनी दो प्रोडक्शन हाउस साथ में आए तो कुछ तो इन्होंने अच्छी चीज़ बनाई होगी। खुले दिमाग से जाइए, फालतू चूतिया क्रिटिक्स का रिव्यूज मत देखिए, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कतरीना कैफ यू नो आर मैजिकल ऑन स्क्रीन। द डायरेक्टर नित्या मेहरा इज ऑब्वियसली फुल मार्क्स टू हर, शी इज अ डायरेक्टर टू लुक आउट फॉर इन द फ्यूचर एंड फ्रेंड्स शी हैज डन अ फैबुलस जॉब एज अ न्यू डायरेक्टर। ऑब्वियसली शी असिस्टेड सो मेनी बिग नेम्स, यू नो डोंट आई नो मीरा नायर फॉर इन द नेम सेक, एंड इवन यू नो शी डिड इन अ 24 सीरियल इन इंडिया। फॉरगेट ऑल दैट, फॉरगेट जो कोई भी हो भूल जाओ उसको, लेकिन ये जो फिल्म है बार बार देखो, ये क्या सिखाती है, इसका मोटिव क्या है, दैट इज़ वेरी गुड। कि किस तरह आप अपनों को छोड़कर अपने काम में इतने बिजी हो जाती हो, एक बाप अपने बेटे पे ध्यान नहीं देता, अपनी बीवी को निग्लेक्ट करता है और बस उसकी ज़िंदगी में पैसा उसका काम सब कुछ है, वो सब तो आता रहेगा ज़िंदगी में फ्रेंड्स, लेकिन जो रिलेशन है वो ज़िंदगी में एक बार टूट गए तो वापस नहीं आएगी, यही इसका मोटिव है। जो यंगस्टर्स है ऑब्वियसली फिल्म में सो रहे थे और चिल्ला रहे थे क्योंकि उनको अभी ज़िंदगी का आभास और एहसास नहीं, जब वक्त आगे चला जाएगा तब मैं आपको गारंटी से कहता हूँ वो ये फिल्म बार बार देखो वापस जाके देखेंगे तब, लेकिन बहुत देर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स आई गिव बार बार देखो 1, 2, 3, 4 फैबुलस फिल्म फ्रेंड्स, एंटरटेनिंग, समथिंग वेरी डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स। इफ यू वॉन्ट टू वॉच समथिंग रियली डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स मूवी, वॉच दिस फिल्म फ्रेंड्स। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, डू कमेंट यू नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो and keep supporting our channel Bollywood This Week for unbiased reviews. So friends, we will see you tomorrow, don't worry, with a review of Freaky Ali.